नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुलाब की कलम लगाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे गुलाब की कलम लगकर ही रहेगी, कभी फेल नहीं होगी। इसके लिए आपको जो गुलाब की कलम लेनी है वो कुछ इस तरह की सॉफ्ट वुड कटिंग रहेगी। सेमी हार्डवुड कटिंग भी आप ले सकते हैं, लेकिन हार्डवुड कटिंग आपको नहीं लेनी है। उसमें रूटिंग स्टार्ट होने में काफ़ी समय लग जाएगा, और जब समय रहते रूटिंग स्टार्ट नहीं होती है तो कटिंग काली होकर सूखने भी लगती है, मतलब रिजल्ट सही से निकल कर नहीं आता है। वैसे तो गुलाब की कलम ग्रो करने के लिए सेमी हार्डवुड कटिंग को आइडियल माना जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में जो मेथड हम यूज करने वाले हैं उससे सॉफ्टवुड कटिंग ईजिली ग्रो हो जाएगी। कटिंग को आपको धारदार रेजर ब्लेड या कटर वगैरह से कट कर लेना है, जिससे कटिंग की बार्क यानी छिलके को कोई भी नुकसान ना हो, वो पूरी तरह से फ्रेश रहे। और कटिंग में टोटल 3-4 नोट होने चाहिए जिसमें हम न्यू ग्रोथ ले सकें। इसके बाद आपको लेना है नारियल के छिलके। नारियल के छिलकों को छोटे छोटे पीसेस में आपको कट कर लेना है। इसके बाद कटिंग को हमें इसी में बांध कर लगाना है। कटिंग के निचले भाग को इसमें बांध कर लगाएंगे, जिससे जहाँ से रूटिंग होनी है वो हिस्सा इस नारियल के छिलके के कॉन्टेक्ट में रहेगा, चिपका रहेगा, तो रूटिंग आसानी से होगी, कटिंग फेल नहीं होगी। गुलाब की कटिंग लगाने की बात करें तो आपको सिर्फ देसी गुलाब की ही कटिंग लेनी है, क्योंकि देसी गुलाब को ही कटिंग मेथड से प्रोपागेट किया जा सकता है। वैसे अगर आप अंग्रेजी गुलाब की भी कटिंग लगाते हैं या फिर एयर लेयरिंग करते हैं तो उसमें भी रूटिंग तो हो जाएगी, लेकिन उसका खुद का रूट सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए स्टार्ट में एक दो फूल खिल के थोड़ी बहुत ग्रोथ करके उसकी लाइफ वहीं तक सिमट कर रह जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग वो नहीं चल पाएगा। यही वजह होता है कि अंग्रेजी गुलाब से बड लेकर देसी वैरायटी या जंगली वैरायटी के गुलाब के स्टॉक में ग्राफ्टिंग की जाती है, और इससे जो पौधा बनकर तैयार होता है वो न सिर्फ अच्छी ग्रोथ करता है बल्कि उसमें बीमारियां वगैरह भी कम लगती हैं। आइए दोस्तों, अब आज की वीडियो की टॉपिक पर आते हैं। कटिंग लगाने के लिए मैं यहाँ छोटे साइज की कागज़ वाली डिस्पोजल का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मिट्टी कम फिल होने की वजह से ओवर वाटरिंग वगैरह का भी डर नहीं रहता है, और कटिंग फेल नहीं होती है, इजीली सक्सेस हो जाती है। मीडिया में मैं मिट्टी और रेत को इक्वल अमाउंट में यूज कर रहा हूँ, जिससे कटिंग के सक्सेस हो जाने के बाद थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन भी कटिंग को मिल सके। आप सिर्फ मिट्टी भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन उसकी ड्रेनेज सही होनी चाहिए। पानी सही से ड्रेन नहीं होगा तो कटिंग में रोट प्रॉब्लम हो जाएगी और कटिंग फेल हो जाएगी। कटिंग को ग्रो करने के लिए आपको पूरी तरह से यानी 100% सैंड यूज नहीं करना है। इसका मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, मुझे सैंड में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। इसके बाद कटिंग वाले डिस्पोजल को सैंड में दबाकर वाटरिंग करके इसे पार्शियल सन में रख देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड के बीच में कटिंग लगाते हैं तो आप सैंड की जगह वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग मैन्योर यूज कीजिए। इससे कटिंग को गर्माहट मिलेगी और कटिंग में रूटिंग जल्दी स्टार्ट होगी। सैंड ठंड में और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इसी तरह गर्मी में और ज़्यादा गर्म हो जाता है, यानी इसका टेम्परेचर तेज़ी से अप डाउन होता रहता है। दिन में गर्म तो रात में ठंडा रहता है, और कटिंग इतनी तेज़ी से एडजस्ट इसमें नहीं बैठा पाते हैं, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होने पर डिस्पोजल को दबाने के लिए कोई भी खाद को आप यूज में ले सकते हैं। बाकी स्प्रिंग सीजन में कटिंग ग्रो करने पर डिस्पोजल को दबाने के लिए आप सैंड या वेल ड्रेन्ड मिट्टी भी ले सकते हैं। दोस्तों, यह अपडेट 2.5 महीनों की है, और जैसा कि इसमें आपने देखा कि रूट्स आ चुकी हैं, आइए अब दूसरी कटिंग की भी रूट्स अपडेट देख लेते हैं। दूसरी वाली कटिंग में भी रूट्स अच्छी तरह से आ चुकी हैं। अब इसे भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, और दोनों कटिंग की नारियल के छिलकों को पूरी तरह से रिमूव करके भी आपको दिखाऊंगा। Thank you.
दोस्तों, नारियल के छिलकों को मैंने आपको सिर्फ संतुष्ट करने के लिए ही हटाया है। अगर आप भी इसी मेथड से गुलाब की कलम लगाते हैं तो आपको नारियल के छिलकों को नहीं हटाना है, ऐसे ही लगा देना है। नारियल के छिलके आगे चलकर डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाएंगे, इसलिए छिलकों को हटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनिंग लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।